Dear kids, in this video of IMO for class 7, I am going to discuss sample paper for session 2024-25. So start karte hain. So first of all, ye jo instructions diye hain, ye aapke main paper ke liye diye hain. Aur one question bahut aata hai ki sample paper is the original paper. So sample paper aapka original paper nahi hai. ये आपको जस्ट एक आइडिया देता है कि आपका पेपर किस फॉर्म में आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्चुअल पेपर, क्लियर है. बट हाँ, इसको आपको करके जाना है, सो दैट नहीं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो नाउ स्टार्ट करते हैं. फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स. तो ये एक मैट्रिक्स है और इसमें फिगर्स गिवन है. तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे, जो आपकी रो कंप्लीट है, मींस दिस वन एंड दिस वन. तो देखो, फर्स्ट वाले में अगर ट्रायंगल का ये डॉट देखो, तो लास्ट वाले में ये कहां मूव हुआ, 90 डिग्री. मींस यहां था, तो यहां से वो कहां मूव होके गया, यहां पर. मींस उसके बीच का डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री का. मींस जब हमारा ये होगा, तो इसके बीच में 90 डिग्री कहां होगा, मींस कि अभी डॉट यहां है, तो जब ये 90 डिग्री मूव करेगा, तो ये कुछ यहां होगा. मींस जो आपके ऑप्शंस हैं, उसमें से ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया. अब ये दो ऑप्शन हो गए. अब इन दोनों में से सही कौन सा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ एरो. अब यहां देखो, फर्स्ट वाले में जब एरो इस साइड था, उसकी मूवमेंट भी अकॉर्डिंग टू दैट हुई है. मींस जिस डायरेक्शन में ये मूव हुआ, इस डायरेक्शन में. तो सेम वे जब ये एरो मूव होगा, तो ये भी 90 डिग्री मूव करेगा ऊपर की तरफ. मीन्स उसकी पोजिशन यहां होगी, ठीक है, दिस साइड, करेक्ट है. ये मूव करेगा ना, ये 90 डिग्री. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फॉर दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट. इफ प्लस मींस डिवीजन, माइनस मींस प्रोडक्ट, डिवीजन मींस प्लस एंड प्रोडक्ट मींस माइनस, देन दिस इज इक्वल टू. तो नाउ हम यहां पर पुट करके देखते हैं वैल्यूज. तो देखो, इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि डिवीजन जो है, दैट इज इक्वल टू प्लस. मींस यहां क्या हो जाएगा, प्लस. 225 क्या है, प्लस लिखा है, और प्लस को क्या बोला है, प्लस मींस डिवीजन. तो दिस विल बी डिवीजन, करेक्ट है. नाउ प्रोडक्ट के लिए क्या बोला है, प्रोडक्ट मींस माइनस, मींस दिस विल बी माइनस. एंड माइनस मींस प्रोडक्ट, मींस ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट. तो बॉडमास लगाएंगे, तो सबसे पहले ये डिवीजन सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 225 को आपने 15 से डिवाइड किया, तो दिस विल बी 15, करेक्ट. माइनस यहां प्रोडक्ट होगा 15 और 85 का, तो 15 5 जा 75 की 5 पावर 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 127. नाउ नेक्स्ट 320 प्लस करो इसके साथ, या पहले इसके साथ माइनस कर दो, तो दिस विल बी 320 माइनस 1260. थोड़ा सिंपल हो गया. नाउ डिफरेंस देखो, 0 से 0 माइनस किया 0, 6 से 2 माइनस किया, तो दिस विल बी 4, 2 से 3 तो जाएगा नहीं, तो 12 से 3 माइनस किया तो 9. माइनस के साथ बिगर नंबर था, तो दैट्स व्हाई यहां साइन क्या होगा, विथ माइनस. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इफ सर्टेन कोड लैंग्वेज केमिस्ट्री इज रिटन एज दिस, हाउ विल बीन स्टॉक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज. तो देखो, सबसे पहले रिलेशन देखो केमिस्ट्री. तो देखो, सबसे पहले अगर हम इसका रिलेशन देखें, तो यहां देखो कैसे है, आई की वैल्यू तो सेम है, आई की जगह पर आई है. मींस जो सेंटर में नंबर है, मींस इधर से 4 को छोड़ा, इधर से 4 को छोड़ा, एस की जगह पर एस ही होगा. तो इन सब में भी वैसे ही है. नाउ अब देखो, वाई प्लस 1 किया तो क्या आता है, जेड. आर के जस्ट बाद एस आता है, टी के बाद यू आता है, एस के बाद टी आता है. मींस प्लस 1 करना है. तो देखो, के बाद क्या आता है, के एल. सी के बाद क्या आता है, सी डी. ओ पी और टी यू. तो यू पी डी एल. तो यू पी डी एल देखो, टू ऑप्शन में है, दिस वन एंड दिस वन. Means this option is wrong and this option is wrong. Now relation देखो, यहाँ पर this is D, correct है? This is D. क्या लिखा उन्होंने, C को plus 1 किया तो D आया, H को plus 1 किया तो I आया, E को plus किया तो F आया, और M को plus 1 किया तो N आया. तो सिर्फ M वाला चेक कर लेते हैं, means की जो आपका फोर्थ है उसको चेक करो. N के जस्ट बाद क्या आता है, N के बाद आता है O. Means यहाँ पर पहला क्या होगा, O. तो यहाँ देखो C है और यहाँ O है, तो this is the right option. बाकी भी हम चेक कर लेते हैं. अब देखो, N को लिखा O, A को क्या लिखेंगे, B, E को क्या लिखेंगे, F, और B को क्या लिखेंगे, C. तो यही आपका फॉर्म हो गया ना. तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस वन. अब है मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर X. तो ये एक्सप्रेशन है, इसे सॉल्व करनी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं. तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 1/5 का X के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस विल बी एक्स बाई फाइव. देन होगा माइनस 8/5, देन क्या होगा, प्लस
बाई फोर देन प्लस एक्स बाई फोर, करेक्ट है, प्लस एक्स बाई सेवन माइनस 1/7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23/5। अब ये देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई, इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा तो दिस विल बी प्लस एक्स बाई फाइव, करेक्ट है। नाउ अब हम एक्स के टर्म को अपोजिट साइड लेके जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई फाइव पहले से था, देन यहां पर क्या था, प्लस एक्स बाई फोर, करेक्ट है, दिस वन, और यहां क्या था, प्लस एक्स बाई सेवन, ये अपोजिट साइड गया तो इट बिकम्स माइनस एक्स बाई फाइव, करेक्ट है। नाउ अब ये वाले टर्म यहाँ 7 है, माइनस 23/5 पहले से था, नाउ ये अपोजिट साइड जाएगा तो इस बिकम प्लस 8/5, यहाँ हमने 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, और ये प्लस का 1 है तो अपोजिट साइड माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 1/7 है तो अपोजिट साइड 1/7 हो जाएगा विथ प्लस साइन। नाउ देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ इस साइड हमारे पास क्या बचा है, एक्स बाई फोर प्लस एक्स बाई सेवन, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 28, यहाँ क्या होगा 7x प्लस 4x, करेक्ट है। नाउ अब यहाँ देखो ये 7 है और ये 1 है, माइनस हुआ तो क्या मिलेगा हमें 6। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब ये टर्म ये टर्म ये टर्म, इन तीनों के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर माइनस। अब ये देखो ये 5 का ही है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 23 प्लस 8, माइनस 23 प्लस 8 क्या हो जाएगा 15, करेक्ट है। नाउ 5 से इसको डिवाइड किया तो इट बिकम्स 3, ठीक है, प्लस 1/7 भी है ही अभी इसके पास, करेक्ट है। तो नाउ फर्दर सॉल्व किया तो दिस बिकम्स 11x/28, करेक्ट, यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 3 प्लस 1/7, दैट कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1/7, एलसीएम क्या होगा 7, 21 प्लस 1, करेक्ट है। मीन्स फर्दर सॉल्व करने पर वी हैव 11x/28 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिला 21 प्लस 1 क्या हो गया 22/7, 7 से डिवाइड किया तो 4, 11 से डिवाइड किया 2, नाउ x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। सॉल्व If 55% of 1000 divided by 60% of 2000 is equal to k colon 2k plus 2, then find the sum of the digits of k. ठीक है, means हमें पहले k find out करना है, then उसकी digits को plus करना है। अब यहाँ लिखा है 55% of 1000 means it can be written as 1000 multiplied with 55 divided by 100. ठीक है, अब इसको किससे divide करना है, 60% of 2000 तो क्या लिखेंगे 2000 multiplied with 60, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू k बाई 2k प्लस 2 गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 यहां 0 से 0 0 0 मींस 10 मल्टीप्लाइड विद 55 विल बी इक्वल टू 5 5 0, 20 मल्टीप्लाइड विद 60 विल बी इक्वल टू 1200। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं जितना हो सकता है, 0 कैंसिल। नाउ अगर हमने 5 की टेबल से डिवाइड किया तो दिस विल बी 11 और दिस विल बी 24, means this equal to 11/24 is equal to k, यहाँ क्या है 2k plus 2। Now अब क्या होगा, अब हम करेंगे cross multiplication, इसको इसके साथ, तो this will be 24k is equal to 22k plus 22। Now k को एक साइड लेके जाएंगे तो this will be 24k minus 22k is equal to 22, means 2k is equal to 22, means k will be equal to 11, 2 से डिवाइड किया तो 11। नाउ डिजिट्स का सम करना था, मींस 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एंड यू टी आर इन पैरेलल लाइंस, मींस दिस वन एंड दिस वन इज इन पैरेलल, इफ सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, मींस दिस सी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सी, मींस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 75 डिग्री, 5 से इसको डिवाइड किया तो दिस विल बी 1 एंड 5 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और सी ऑलरेडी गिवन है 75 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस डी बाई 2, बी कहाँ है, दिस वन, करेक्ट है। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल जो होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस, मीन्स सी विल बी एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल
करेक्ट है। तो यहां से एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी माइनस एंगल ए, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ वी हैव एंगल बी, ये हो गया एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें क्या चाहिए, डी। अब डी कहाँ है, डी हमारा ये एंगल है। अब ये कोलिनियर एंगल होंगे बिकॉज ये पैरेलल लाइंस में है, तो कोलिनियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। मींस एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी 180 डिग्री, करेक्ट है। तो यहां से एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और माइनस एंगल बी हमने निकाला है 45 डिग्री, तो दिस विल बी 135 डिग्री, करेक्ट है। नाउ वी हैव एंगल डी, दैट इज 135 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए बी प्लस डी बाई टू की, तो बी की वैल्यू हो गई 45 डिग्री और डी क्या है 135 डिग्री डिवाइडेड बाई टू, टू से डिवाइड किया क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 26 जा 12, 27 जा 14.5 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो तो 0.5 तो होगा ही, 5 प्लस 7 12 की 2 पावर आई 1, 6 प्लस 5 क्या होगा 11, मींस 112.5 डिग्री, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स, क्वेश्चन इज गरिमा एंड मोहित डिपॉजिटेड रुपीज 3000 एंड 4000 इन अ कंपनी एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स एंड टू होल 1/2 इयर्स रिस्पेक्टिवली। मींस दिस इज द टाइम फॉर मोहित और गरिमा के लिए है 3 इयर्स। द डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम विल बी, तो सबसे पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो हमारा गिवेन ही है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हमें डिफरेंस लेना है, चलो हम करते हैं। सबसे पहले हम 4000 वाले के लिए लिखेंगे, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, डिफरेंस इसका क्या होगा, डिफरेंस ही लिख लेते हैं। डिफरेंस विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल एड होगा 4000, करेक्ट है, प्लस अब 4000 के लिए अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट तो सेम ही है 10 और ड्यूरेशन क्या है 2 होल 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 2 4 प्लस 1 5/2, यहाँ क्या आएगा 5/2 और 100 तो रहेगा ही, करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया दिस वन। अब दिस टोटल माइनस विथ मोहित गरिमा अमाउंट, गरिमा का अमाउंट क्या है प्रिंसिपल अमाउंट 3000, उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3000 मल्टीप्लाइड विथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड विथ टाइम, टाइम इज 3 डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट है। आप अलग अलग निकाल के फिर भी माइनस कर सकते हो या डायरेक्टली कर लो। तो अब यहाँ देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दिस जीरो कैंसिल विथ दिस, उसे डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा 5, करेक्ट है। यहाँ दिस जीरो ये जीरो ये जीरो डन। तो नाउ इस ब्रैकेट में क्या होगा 4000 प्लस 5 जा 25, 25 फोर जा 100 और एक जीरो एक्स्ट्रा है क्योंकि 40 लिखा है, तो दिस विल बी 1000, करेक्ट। माइनस यहाँ क्या होगा 3000 प्लस 30 इंटू 10 300 प्लस 3 क्या 300 मल्टीप्लाइड विथ 3 क्या हो जाएगा 900। मींस सॉल्व करेंगे तो दिस विल 4000 प्लस 1000 विल बी इक्वल टू 5000 माइनस 3000 प्लस 900 क्या हो जाएगा 3900, माइनस किया तो दिस विल बी 1100, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। At Simla, the temperature was minus 7 degree Celsius on Tuesday. It then dipped by 3 degree Celsius or 3 degree Celsius on Wednesday. Wednesday को dipped हुआ means minus हुआ, तो minus 7 degree Celsius already था और dip हुआ means गिरा, तो 3 degree Celsius और minus हुआ, तो this become minus 10 degree Celsius. ठीक है? On Thursday, it roses by 6 degree Celsius. अब Wednesday को 10 degree है, तो Thursday को क्या हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 6 डिग्री, बिकॉज इन्होंने लिखा है वो अप हुआ 6 डिग्री सेल्सियस से, तो ये माइनस ये प्लस मींस माइनस होगा, तो दिस विल बी माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ सिमला ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे रिस्पेक्टिवली, तो हमने कैलकुलेट कर लिया वेडनेसडे 10 माइनस 10 और थर्सडे माइनस 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी।
नाउ क्वेश्चन फ्रॉम अचीवर सेक्शन द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर इज 26:25 इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड देन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ एंड द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल. ठीक है, तो लेट ये जो सर्कल है इसका रेडियस हो गया आर वन और जो इनर है इसका रेडियस हो गया आर टू. अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है 5 मीटर, मींस आर टू विल बी इक्वल टू आर वन माइनस 5. और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर. तो फॉर आउटर सर्कल दिस विल बी 2 पाई आर वन और फॉर इनर सर्कल दिस विल बी 2 पाई आर टू एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 26:25 तो हमने लिख दिया. ठीक है, नाउ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो नाउ वी हैव आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू 26:25. नाउ इससे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स 25 आर वन विल बी इक्वल टू 26 आर टू. नाउ आर टू की वैल्यू ये पुट करेंगे तो दिस विल बी 26 अंडर ब्रैकेट आर वन माइनस 5 तो दिस विल बी इक्वल टू 25 आर वन इज इक्वल टू 26 आर वन माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो 5 6 जा 30 की 0 पावर आई 3 5 2 जा 10 प्लस 3 130 करेक्ट है. नाउ डिफरेंस लेंगे तो इसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे 130 दिस साइड आया तो पॉजिटिव हो गया और ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस. तो 25 आर वन तो क्या हो गया 130 इज इक्वल टू आर वन. तो आर वन की वैल्यू हमें क्या मिल गई 130 तो आर टू विल बी इक्वल टू 125. 130 माइनस 5 कर दो तो हमें मिल जाएगी 125. नाउ अब फर्स्ट उन्होंने पूछा था द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो हम जब फर्स्ट वाले से लेंगे तो दैट विल बी पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस पाथ का एरिया चाहिए. तो दोनों के एरिया का डिफरेंस इट कैन बी रिटन एज पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर. प्लीज रिमेम्बर ये मैं पाथ का एरिया निकाल रही हूँ, दिस इज पाथ एरिया. नाउ वैल्यू पुट करो तो पाई इज इक्वल टू होगा 22/7 ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. इसको हम फॉर्मूले को पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 130 स्क्वायर माइनस 125 स्क्वायर. ठीक है, नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी. तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 22/7 अंडर ब्रैकेट 130 माइनस 125 अनदर ब्रैकेट में 130 प्लस 125. आप स्क्वायर भी लेके कर सकते हो बट दैट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो यहाँ क्या होगा 22/7 माइनस किया तो दिस विल बी 5 प्लस किया तो ये क्या होगा 255. करेक्ट है, नाउ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 4007.14 मीटर स्क्वायर. मींस ए इज द राइट ऑप्शन बट आई विल सजेस्ट कि आप इस वाले क्वेश्चन को ना करो बिकॉज यहाँ पर देखो सबका डायमीटर डिफरेंट है. तो हम सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे. मैंने आपको करके बता दिया बट आप सेकंड वाले ऑप्शन को करोगे तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज देखो एरिया भी रिपीटेड नहीं है और डायमीटर भी रिपीटेड नहीं है. तो कोई भी एक पार्ट करते ही आपको दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने दोनों कर दिए, दूसरा भी कर देती हूँ बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप फर्स्ट पार्ट को छोड़ दें टिल यहाँ तक तो आप करें. उसके बाद आप कहाँ सीधे जाओ सेकंड पे द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल का रेडियस क्या है दिस वन. तो डायमीटर क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 2r2 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड विथ 125 दैट विल बी इक्वल टू 250 मीटर मीन्स दिस ऑप्शन. तो हमें क्या मिल गया कि a विल बी द राइट ऑप्शन. अगर हमने ये वाला कर लिया तो हमारा बहुत टाइम सेव हो जाएगा बिकॉज दिस प्रोसेस विल टेक मोर टाइम. ठीक है, तो आपने क्या करना है आप बेसिक चीजें फाइंड आउट करो उसके बाद उस ऑप्शन के साथ जाओ जो सबसे इजिएस्ट हो. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर 9th क्वेश्चन. नाउ लास्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1, इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर सच दैट द रेशियो ए इज टू बी इज इक्वल टू रेशियो सी इज टू डी देन वी से ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ए डॉट डी इज इक्वल टू बी डॉट सी बी कॉलन सी. तो देखो सबसे पहली चीज इसका मीन्स होता है इक्वल का मीन्स, इनके कहने का मीन्स है ए रेशियो बी इज प्रपोजनल टू सी इज टू डी.
तो इसमें आपने याद रखना है कि देर इज अ रूल कि एक्सटीरियर का मल्टीप्लीकेशन और इंटीरियर का इक्वल होता है, मीन्स ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, वेल यहाँ क्या लिखा है ए सी बी डी, मीन्स दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी करके देख सकते हो, अगर आपको ये रूल ना पता हो तो ए बी इज इक्वल टू सी बाई डी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका क्या आएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कभी भी नहीं होगा ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो स्टेटमेंट वन तो फॉल्स हो गया। नाउ स्टेटमेंट टू, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 5:9 एंड बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 5:7 देन ए बी सी इज इक्वल टू टिक। ठीक है, करते हैं इसको। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख लो ए और सी को। अब इन्होंने फर्स्ट वाले में ए इज टू बी दिया है जिसकी वैल्यू है 5:9, सेकेंड वाले में दिया है बी इज टू सी जिसकी वैल्यू है 4:7। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बी की वैल्यूज मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 36। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा करेक्ट है। तो दिस इज द रेशियो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन हाँ, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, मीन्स स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो आई थिंक आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टिल एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।